गाइस बहुत लोग मेरे को बहुत बार पूछते हैं सुख भाई आप यूट्यूबर कैसे बने, मतलब आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, एकदम कैसे आपको ऐसे दिमाग में आया कि आपको यूट्यूब करना है। तो आज मैं बताऊंगा कि मैं यूट्यूबर कैसे बना, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, पूरा पूरा शुरू से लेके बताऊंगा मैंने क्या क्या झेला और पूरा सब कुछ बताऊंगा, और आप भी कैसे बन सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो गाइस बात उस समय की है जब फ्री फायर नया नया लॉन्च हुआ था। उससे पहले ना मैं मम्मी के फ़ोन में ना वो क्या बोलते हैं वो जंप वाला गेम होता ना वो खेलता था, क्या नाम है उसका, टेंपल रन, मेरा बहुत फेवरेट था। और मैं जब भी मेरे को फ़ोन मिलता था ना मैं पकड़ के दबा के गेम खेलता था, वीडियो गेम्स खेलता था, जो टीवी में कनेक्ट होकर वीडियो गेम खेलते थे वो मैं 24 घंटे खेलता था, बहुत गेम्स खेलता था मैं। तो मेरे घर वाले बहुत बोलते थे कि क्या गेम खेलता रहता है, और मैं मतलब अलग ही नशे में रहता था, पूरे दिन गेम खेलता था मम्मी के फ़ोन में, ठीक है। तो मैं घर वालों से बहुत जिद करने लगा कि मेरे को फ़ोन दिलाओ फ़ोन दिलाओ फ़ोन दिलाओ। तो घर वालों ने बोला अभी फ़ोन क्या करेगा फ़ोन लेके, तो घर वालों ने घंटा मेरे को फ़ोन नहीं दिलाया, घर वालों ने 1% भी भाव नहीं दिया। घर वालों ने बोला अभी नहीं, 10th के बाद फ़ोन दिलाएंगे। तो मैं मम्मी के फ़ोन में YouTube में वीडियोस देखता रहता था अज्जू भाई की, ज्ञान भाई की, और मम्मी के फ़ोन में चुपके चुपके से फ्री फायर खेलना शुरू कर दिया था मैंने। और गाइस मेरे को ना कैरी मिनाटी शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, मतलब हमेशा से अपना फेवरेट अपना कैरी भाई मेरे को मतलब इतना अच्छा लगता था मैं बता नहीं सकता। मैं शुरू से कैरी भाई का, ज्ञान भाई का, अज्जू भाई का वीडियोस देखता था, और मैं सोचता था मैं भी काश कैमरे के सामने बैठ के मतलब ऑडियंस को ऐसे हंसा सकूँ, मतलब कर सकूँ। मेरा बचपन से मतलब सपना था कि मैं ऐसा जो अभी कर रहा हूँ वो कर पाऊँ। तो मैं उस सोचता रहता था मेरे पास अगर फ़ोन आएगा मैं ये करूँगा, अगर मेरे पास कैमरा आ गया तो मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, यूट्यूब हिला देंगे दुनिया हिला देंगे। तो मैं ऐसे सोचता रहता था कि एक बार मेरे को फ़ोन मिल जाए उसके बाद तो मैं पूरे यूट्यूब को ना हिला के रख दूँगा, ऐसा सोचता था मैं। फिर मैंने बहुत जिद की और फाइनली पापा को बहुत मनाने के बाद मेरा फर्स्ट फ़ोन मिल गया। फ़ोन मिला मेरे को, फ़ोन मिलने के बाद ना मैंने एक तस्वीर मतलब जो मैंने अपने फ़ोन से पहली बार पिक ली थी वो पिक डालता हूँ, हंसना मत प्लीज़ वो पिक। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने फर्स्ट फ़ोन लिया था उससे जो मैंने फर्स्ट फ़ोटो क्लिक की थी एकदम छपरी वाली, वो आप यहाँ ऊपर देख सकते हो। और मैंने उस फ़ोन में ना गाइस उस फोन को बाद में 24 घंटे फोन चलाता था। शुरू में इतना गंदा फोन चलाता ना, घर वालों ने एक बार फोन ले लिया, बोला हम नहीं देंगे फोन, तू हो जाएगा पागल, फोन चला चला के हम नहीं दे रहे तेरे को फोन। तो मैंने बाद में घर वालों को मनाया, फोन वापस लिया। फिर मैं फ्री फायर बहुत ज्यादा खेलने लग गया, मतलब अंधा फ्री फायर खेलने लग गया, बहुत फ्री फायर खेलने लग गया मैं, क्योंकि मैं ग्लोबल रैंक पुश करता था। लाइक इंद्रो भाई हो गया, ज्ञान भाई हो गए, राइट स्टार हो गया, ये जब शुरू में मतलब इतने नहीं थे तब हम उनके साथ बहुत खेलते थे, और अभी के भी बहुत यूट्यूबर है जो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अपन मतलब खेलते रहते थे, 24 घंटे गेम खेलते थे और मतलब अंधा गेम खेलते थे गाइस। मतलब तो रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया कि आपका लड़का पागल हो गया है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, उसको चपड़ासी की जॉब भी नहीं मिलेगी। सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक से हट के रिश्तेदारों ने इतना घर वालों को बोला ना कि ये लड़का अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, ये लड़का पागल हो जाएगा, ये लड़का अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ये लड़का पूरा बिगड़ गया आपका, 24 घंटे फ़ोन चलाते ये वो, मतलब रिश्तेदारों ने इतने ताने मारते थे। और मैं मतलब कहीं भी जाता था ना मेरे को बहुत सुनाते थे कि तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, पागल हो गया है, रात रात भर गेम्स खेलता है। तब मेरे को अंदर से इतना बुरा लगता था ना गाइस, मतलब वो फीलिंग्स में शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मेरे को घर वालों ने, मेरे घर वालों ने कभी कुछ नहीं बोला, मेरे घर वालों ने यही बोला तेरे को जो लाइफ में करना है वो तू कर। कभी मेरे घर वालों ने मेरे को फोर्स नहीं किया कि तेरे को ये चीज़ करनी है। तो मेरे घर वालों ने मेरा शुरू से बहुत सपोर्ट किया, और मेरे रिश्तेदार मेरे को इतना कुछ सुनाते हैं। और अभी वो रिश्तेदार जब मिलते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है आप सोच ही नहीं सकते। वो बोलते हैं हमारे लड़के को भी ये सिखा दो ऐसे ऐसे, उनका रिएक्शन इतना ऐसा होता ना, मतलब वो देख के मेरे को अंदर से इतना सुकून मिलता ना और इतनी हंसी आती है ना कि भाई जो लोग आपको शुरू से बोलते थे तू घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, अभी वो लोग आके ऐसे बोल रहे हैं। अभी आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मैं जर्नी बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, फिर मैंने मतलब बहुत यूट्यूब चैनल्स देखने शुरू किए, और मैं भी मतलब यूट्यूबर बनने से पहले मैं जब फ्री फायर नया नया आया था तब मैं यूट्यूब पे यूट्यूब डालना कंटिन्यू नहीं किया, तब मैं यही छोटी मोटी वीडियोस डालता रहता था,
थोड़ा रोस्टिंग करता रहता था केरी भाई की स्टाइल में, रोस्टिंग की ट्राई करता था। अभी भी मैं रोस्टिंग करूँगा, वो जल्द शुरू करने वाला हूँ। तो रोस्टिंग करता था और फिर मैंने एक साल तक ओनली गेम खेला, अंधा गेम खेला। ग्लोबल टॉप पे रहते थे हम किल्स में, रैंक में, जब फ्री फायर ग्लोबल था। कि एक साल पहले की बात है जब मैंने एक वीडियो अपलोड की, प्रैंक वीडियो अपने चैनल पर, क्योंकि हम यार सबको हंसाना, अमेरिका मतलब मैं बहुत हंसमुख लड़का हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ सबको हंसाता रहता हूँ, तो क्यों ना मैंने सोचा सबको हंसाया जाए। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाली यूट्यूब पे अपने मोबाइल से ही। ओके, मोबाइल एक फ़ोन से अपनी वॉइस और दूसरे फ़ोन से मेरे फ्रेंड के फ़ोन से गेम की वॉइस रिकॉर्ड करके प्रैंक वीडियो डाली। तो वो प्रैंक वीडियो शुरू शुरू में तो उसमें बिल्कुल व्यूज़ नहीं गए, और ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहा, लेकिन एक मेरी प्रैंक वीडियो वायरल हो गई, मतलब 15-20,000 व्यूज आ गए, और मैं इतना खुश हुआ ना गाइस, मतलब आंखों में आंसू आ गए, मतलब इतना ज़्यादा खुश हुआ ना कि गाइस मतलब, और मेरे लगभग 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। फिर मैंने बोला अब तो ऐसे प्रैंक करेंगे, इतने प्रैंक करेंगे, और मैंने 1v4 के प्रैंक के और मतलब भर के वीडियो बनाना चालू कर दिया, और मैं बहुत वीडियो बनाता रहा, आपको हंसाता रहा। और मैं उस टाइम पे गाइस सीरियसली मेहनत सब करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं उस टाइम में फ़ोन में एडिटिंग करके रात भर बैठ के रोज़ वीडियो बनाता था, रात भर खुद एडिट करता था मोबाइल में, और मोबाइल से ही अपलोड करता था। और मतलब इतना वो क्या बताऊँ, रोज़ वीडियो डालना, रोज़ खुद फुल टाइम दे के पूरा एकदम जान लगा के एडिट करना, वो मतलब पूरा रूटीन हो गया था। स्कूल से आना, वो करना, स्कूल में भी कभी कभी सो जाता था मैं, तो टीचर्स भी मेरे को बहुत गालियाँ देते रहते थे टीचर्स भी तो स्कूल में भी मेरे बहुत लफड़े हुए हैं। वो स्टोरी टाइम अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना यार, इतने लफड़े हुए ना मेरे स्कूल में, आपने कभी सोची ना होगी मतलब स्कूल में सो जाता था, घर पे आते ही जल्दी से फ़ोन उठा के गेम खेलना चालू, और YouTube पे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है वो सोचना स्टार्ट, और नया नया रोज़ कंटेंट लाने की ट्राई करता था। और एक दो वीडियो और वायरल हो गई मेरी, और मेरे 100K सब्सक्राइबर फाइनली कंप्लीट हो गए, मतलब 100K तक बहुत वो की मैंने, 100K हो गए। उसके बाद मैंने पापा को बहुत मनाया, और तब मेरी ना YouTube की पेमेंट भी आ गई थी, मतलब थोड़ी बहुत ही आई थी 10-15 हज़ार, तो वो आ गई थी, और मैंने पापा को मतलब दी, और पापा को बोला पापा एक मेरे को PC दिला दो, फिर हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। पापा को बहुत मनाया, पापा ने बाद में फाइनली मेरे को PC दिला दिया। और मैं आपको जब मेरे को PC मिला था तब मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ, मतलब उस सेटअप से मैं इस सेटअप, ये सेटअप मेरा ना गाइस ड्रीम था, मेरा एक सपना था कि मैं एकदम ऐसे इस टाइप के सेटअप में बैठ के वीडियो बनाऊं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो पीछे का सेटअप है केरी भाई की कॉपी है, यार मैं केरी भाई का इतना बड़ा फैन हूँ यार, कॉपी नहीं बोल सकते। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा भी नाम पीछे ऐसा लिखा हुआ हो, ऊपर गोल्ड प्ले बटन और पास में सिल्वर और डायमंड लगा हो, डायमंड भी आएगा अभी तो गोल्ड और सिल्वर लगा है, ये मेरा ना सपना था गाइस, ये कॉपी नहीं बोल सकते, कॉपी वो होता ऐसे, लेकिन मेहनत की है ना गाइस तो कॉपी नहीं बोल सकते। हाँ मैं उनसे सीख के किया, मतलब उनसे वो होके किया कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं अपना पुराना सेटअप आपको दिखाने वाला हूँ, और आपको यकीन नहीं होगा कि ये मेरा सेटअप है। आप बोलोगे सुख भाई आप दूसरे का सेटअप दिखा रहे हो, तो मैं अपना फेस भी उसमें मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वो भी देख लेना, अभी मेरा फेस भी दिखेगा, सेटअप देख लेना फेस भी दिखेगा। ओके, जब मेरे को बाद में PC मिली, तो PC मिलने के बाद मैंने नए नए कंटेंट बनाता रहा, लोगों को हंसाता रहा, आप लोगों का इतना प्यार मिलता रहा मेरे को, और मतलब बहुत सारे मेरे को यूट्यूबर्स दोस्त मिले जिन पे मैंने ट्रस्ट किया, और वो मेरे को काट के चले गए, बहुत गंदा मेरे पे उल्टा ही मेरे को ऐसा पता नहीं क्या ही मेरे को पागल बना के चले गए, बहुत ऐसे भी मिले, और बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त भी मिले जो मतलब बाहर से कितना ही दिखा हो लेकिन अंदर से मेरे एकदम प्यारे सच्चे दोस्त हैं। माइक साले रुक जा, मतलब बहुत अच्छे दोस्त मिले मेरे को, यूट्यूब ने मेरे को लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त दिए, मतलब बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं यार मेरे, तो उनसे कैसे मिला वो भी वीडियो बनाऊंगा, सारा बता दूं इसी वीडियो में क्या क्या बनाऊंगा वो भी बनाऊंगा, बता देना कमेंट में। तो बहुत दोस्त दिए मेरे को यूट्यूब ने, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त दिए और सच्चे दोस्त दिए। और बाद में फाइनली हमने फेस रिवील कर दिया, बहुत लोगों ने बोला फेस रिवील कर दो, मैंने ऐसे ही एक दो वीडियो में बोल दिया आपके भाई के, मतलब कि ऐसा दिखता है आपका भाई एकदम हीरो वीरो, तो बहुत लड़कियों ने भी बोला छुप जी फेस रिवील करो, बहुत लड़कियों ने बहुत बोला, और बहुत आपने बहुत बोला कि यार थोबड़ा दिखा देना, अपने आप की इतनी तारीफ कर रहा है तू, ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, हीरो है वो है हीरो। तो मैंने फाइनली फेस रिवील कर दिया मुँह उठा के, मेरे एक दोस्त है तो उसने बोला कि मैं अपना सेटअप, तो मैंने
बोला यार हाँ कर सकते हैं ना, बहुत लोग बोल रहे हैं और सेटअप का वीडियो भी बन जाएगा साथ में। मैं चाहता था अपने फेस रिवील के लिए स्पेशल वीडियो बना पाऊँ, लेकिन मैं बना नहीं पाया उस टाइम क्योंकि मेरे पास सही कैमरा नहीं था। मैं मोबाइल के कैमरे से, मेरे को आज भी याद है, मोबाइल के कैमरे से यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करके डालता था। तो कर दिया मैंने फाइनली फेस रिवील कर दिया, फिर आपका प्यार और मिलना स्टार्ट हो गया कि मतलब फेस रिएक्शन की वजह से, स्माइल की वजह से। बहुत लोगों ने बोला सुख तेरी स्माइल फेक है, तू ऐसे ही हंसता रहता है। तो उन लोगों को हेटर्स हैं और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया कि सुख तू इतना एनी टाइम खुश रहता है, हंसता रहता है, सबको हंसाता रहता है, ऐसे ही प्यार आप बनाए रखें। गाइस बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं, वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं और वो अपने घर वालों को बोलते रहते हैं पीसी के लिए, मोबाइल के लिए। तो आप अपने घर वालों को ये वीडियो दिखा सकते हो, बोल सकते हो कि इसने इतनी मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये वीडियो अपने घर वालों को ज़रूर दिखाना कि इसने इतनी मेहनत करके किया, हम भी मेहनत करके करेंगे। इसको भी घर वाले मतलब रिश्तेदार ताने देते थे, हमको तो पढ़ ही रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं, आप बोलना। ये वीडियो अपने घर वालों को ज़रूर दिखाना और अपने फ्रेंड्स को तो दिखाना ही दिखाना जो यूट्यूबर बनना चाहता है। तो घर वाले आपके बुरा नहीं चाहते, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। ओके, तो घर वालों को प्यार से समझाओ, प्यार से कन्विंस करो कि मैं कुछ करना चाहता हूँ जैसे मैंने किया, तो आपको भी आपके घर वाले सपोर्ट करेंगे। सही, आप भी कर सकते हो, आप कर सकते हो, यस आप ट्राई करके तो देखो। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीसरी बार नहीं होगा। ट्राई करना मत छोड़ो अपनी लाइफ में कभी भी, अपनी लाइफ में कभी भी गाइस ट्राई करना मत छोड़ो। अगर आप 10 बार फेल हुए तो 11वीं बार ट्राई करो, ट्राई करना मत छोड़ो, एक दिन आप जरूर कामयाबी को पाओगे। अगर आपने पहली बारी में भी ट्राई करके छोड़ दिया है, छोड़ो यार भाड़ में जाए, क्या यार साला व्यूज ही नहीं आए, साला 10 व्यूज भी नहीं आई, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई व्यूज ही नहीं आए। होता है गाइस, आप अगर बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हो व्यूज नहीं आते तो आप और जान लगा के वीडियो बनाओगे, साला अपनी वीडियो में व्यूज कैसे नहीं आए, लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही है, वो निकालो, कुछ यूनिक कंटेंट बनाओ। और मैं चाहता हूँ जो भी मेरे को देख रहा है, जिसने भी मेरे को आज तक यहाँ तक सपोर्ट किया, सबको दिल से लव यू यार, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार सबको। तो टाटा।